कल्पना कीजिए एक कैमरे की जो इतना बड़ा है कि 260 आईफोन 14 प्रो मैक्स कैमरों के बराबर तस्वीरें खींच सकता हो, जो इतना शक्तिशाली हो कि वो चांद पर जमी धूल का भी चित्र खींच सके, एक कैमरा जो इतना बड़ा हो कि एक छोटी कार जितनी जगह घेरता हो। जी हाँ, एक ऐसा कैमरा वास्तव में है जिसका नाम है LSST कैमरा, यानी लार्ज साइनोप्टिक सर्वे टेलीस्कोप। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा है जो 3200 मेगापिक्सल की अद्भुत तस्वीरें खींचने में सक्षम है। आज के इस वीडियो में हम इसी कैमरे के बारे में विस्तार से बात करेंगे। दरअसल ये कैमरा चिली के एंडीज पर्वत पर 8980 फीट की ऊंचाई पर वेरा रुबिन ऑब्जर्वेटरी के सिमोनी सर्वे टेलीस्कोप में स्थापित किया जाएगा और रात के आकाश का 10 साल तक लगातार सर्वेक्षण करेगा, जहां से ये ब्रह्मांड की अद्भुत तस्वीरें खींचेगा। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि ये तस्वीरें इतनी स्पष्ट होंगी कि हम अंतरिक्ष के बारे में बहुत कुछ नया जान पाएंगे। अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन और अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने इस कैमरे को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस विशाल कैमरे की खासियतों पर बात करें तो इस कैमरे में 5 फीट चौड़े लेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, जो इस तरह के काम के लिए बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा लेंस है। दूसरा लेंस भी 3 फीट चौड़ा है। इन दोनों लेंस को एक विशेष वैक्यूम चेंबर में रखा गया है और इस पूरे कैमरे का वजन करीब 3 टन होगा, जो कि एक छोटी कार के आकार का है। इस कैमरे की क्षमता की बात करें तो ये कैमरा हर रात पूरे आकाश का 10% हिस्सा कैप्चर कर 10 अरब से भी ज्यादा तारों और आकाश गंगाओं की तस्वीरें खींच पाने में सक्षम है। इसका 3200 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन इतना शक्तिशाली है कि ये चांद की धूल के कणों को भी कैप्चर कर सकता है। ये कैमरा हर 3 सेकंड में एक नई तस्वीर खींच सकता है, जिससे वैज्ञानिक क्षणभंगुर खगोलीय घटनाओं का अध्ययन कर सकेंगे। अब सवाल ये आता है कि आखिर इतना बड़ा कैमरा बनाने के पीछे का मकसद क्या है? तो आपको बता दें कि ब्रह्मांड का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसे रहस्यमय पदार्थों से बना है। ये कैमरा हमें इनकी प्रकृति को समझने में मदद करेगा। खगोल विज्ञान से जुड़ी कई चीजें जैसे क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं और सुपरनोवा का अध्ययन ब्रह्मांड के निर्माण और विकास को बेहतर ढंग से समझने में भी ये सहायक होगा। इसके साथ ही ये कैमरा ब्रह्मांड में अरबों नई आकाश गंगाओं की खोज कर सकेगा। ये कैमरा विज्ञान के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और आने वाले वर्षों में ये हमें ब्रह्मांड के बारे में कई अद्भुत जानकारी प्रदान करेगा। दरअसल हर एक कैमरे की क्वालिटी उसके मेगापिक्सल से तय होती है। ऐसे में मेगापिक्सल क्या होता है ये भी हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आपको बता दें कि कैमरे में मेगापिक्सल तस्वीरों की डिटेल और रिजोल्यूशन को मापने का एक पैमाना होता है। इसे आसान भाषा में समझने के लिए कल्पना करें कि कैमरे का सेंसर एक ग्रिड से बना है और प्रत्येक ग्रिड का छोटा वर्ग 1 पिक्सल होता है और 1 मेगापिक्सल में 10 लाख पिक्सल होते हैं। जितने ज्यादा अधिक मेगापिक्सल वाला कैमरा होगा उससे उतनी ही बड़ी और ज्यादा डिटेल वाली तस्वीरें ली जा सकती हैं, जिन्हें जूम करके भी बड़ा किया जा सकता है, यानी पिक्चर क्वालिटी बढ़ते मेगापिक्सल्स के साथ बढ़ती जाएगी। लेकिन इसके साथ ही ये भी ध्यान देना जरूरी है कि सिर्फ मेगापिक्सल ही अच्छी तस्वीर की गारंटी नहीं देते हैं। सेंसर का आकार, लेंस की गुणवत्ता और इमेज प्रोसेसिंग भी एक अच्छी पिक्चर क्वालिटी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही और अब बारी है आज के सवाल की। आपको हमें कमेंट करके बताना है कि दुनिया में सबसे पहले कैमरे का आविष्कार किसने किया था। हम फिर मिलेंगे ऐसी ही जानकारी के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।